नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी जिसको जानकर आप खुश भी होंगे, और कुछ एक जानकारी ऐसी है जिसको बताने का एकमात्र मकसद यह है कि आप लोग फाइनेंशियली बचे रहें, आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। पहली सूचना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त को लेकर, और दूसरी सूचना ये है कि अकाउंट खाली कर रहे साइबर ठग, बेंगलोर में बढ़े मामले, बरेली में भी अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भी जितने भी बैंकिंग कस्पेरेंसर की बहनें तैनात हैं वो लोग इस चीज़ से वाकिफ हो जाएँ कि कभी भी आपके खाते में चूना लग सकता है। दोस्तों, 140 नंबर से आए कॉल तो सावधान हो जाइए, वरना हो जाएंगे कंगाल। दोस्तों, साइबर ठगी के मामले में दिनों दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। योजनाओं का लाभ दिलाने के बहाने, खाता लिंक केवाईसी अपडेट के बहाने अब पुराने हो गए हैं। ठगों ने ठगी के लिए एक नया पैंतरा अपनाया है, वह बेहद ही हैरान करने वाला है। ठग 10 नंबरों की एक ऐसी सीरीज से फ़ोन कर रहे हैं जिनकी शुरुआत 140 से होती है। यह कॉल जैसे ही संबंधित उठाता है उसका फ़ोन ठग हैक कर लेता है। मोबाइल नंबर से खाता लिंक होने के चलते ठग खाता साफ कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीसी सखी बहनें जो हैं, जो पार्टनर बैंक एजेंसियों से जिनका खाता लिंक है, और वो तमाम ग्राहकों का ग्रामीण पंचायत स्तर पर ट्रांजैक्शन करती हैं, चाहे वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो बिना आधार कार्ड के ट्रांजैक्शन हो। वहाँ पर ठगी और फर्जी काम होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस सीरीज से नंबर आता है तो आप कतई ना फ़ोन उठाएँ, ताकि आप साइबर ठगी से बच सकें। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस तरीके से साइबर ठगी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अनजाने फ़ोन कॉल्स, लिंक्स और किसी भी सूरत पे किसी भी टेक्स्ट मैसेज पर भी क्लिक ना करें। दोस्तों, ऐसा एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह ने कहा है। दोस्तों, आगे हम लोग दूसरी सूचना के बारे में जानते हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त आने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 फरवरी को कर्नाटक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत करीब 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर में 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से हराशि उनके खाते में जारी की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान योजना के तहत हर साल पात्र किसान को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। हर 4 माह में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में पैसा दिया जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री किसान की किस्त दिवाली से पहले 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। अब होली के त्यौहार से पहले किसानों के खाते में यह राशि पहुंच जाएगी। इसके अलावा सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी शिमोगा हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे। मोदी शिमोगा शहर में 895 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वह बेलागवी में कई विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं दिया हूँ, जो जानकारी है संबंधित बीसी सखी बहनों को लेके, चाहे वो केवाईसी किए जाने को लेके हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2,000 रुपये दिए जाने के संबंध में है, सभी बीसी सखी बहनें इन सभी सूचनाओं से अवगत हों और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी अवगत कराएं। इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।